ये है मेरा केंट पर्ल प्यूरिफायर। इसे अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं बनवाए हुए। इसमें प्रॉब्लम था कि बिजली का प्लग बाहर निकला हुआ हो फिर भी पानी बह रहा है। ये देखिए प्लग इसका हमने निकाल रखा है बाहर, अभी भी देख सकते हैं कहीं से कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये है प्लग खोल के हमने रखा है, इसी के ऊपर हमने लटका दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये लीजिए ये लटक रहा है प्लग, और फिर भी पानी डायरेक्टली चू रहा है, जबकि ये बिजली से चलने वाला प्यूरिफायर है, इलेक्ट्रिसिटी लेने की चीज़ है। जयप्रकाश जी हैं यहाँ के लोकल इंचार्ज रांची के, उन्होंने बनाया था इसे। एक बार बनवाया, ये बदल दीजिए वो बदल दीजिए, हमने बदल दिया जो कुछ कहा, लगभग 4,000 रुपये एक बार लगे। दोबारा फिर कहा गया 300 रुपये के एक सामान और बदल दीजिए, फिर हमने बदल दिया। ऐसे करते हुए 2 बार अभी तक मैकेनिक भेज चुके हैं, और फिर भी वो समस्या पानी चूने की, अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो तो फिर पानी इसमें आ कहाँ से रहा है, ये देखना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये लगातार पानी गिर रहा है इसके माउथ से, कहीं बाहर से पानी इसमें नहीं दिया जा रहा। और बिजली का कनेक्शन आप ये देखिए बाहर निकला हुआ है। तो दर्शकों देख लीजिए, ये केंट के पार्ट्स डुप्लीकेट आ रहे हैं या लोकल लेवल पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये आपके संज्ञान के लिए है, और मैं अभी इसे पुनः श्री जयप्रकाश जी को भेजने जा रहा हूँ इस वीडियो को, और ज़रूरत पड़ी तो फिर अलग से यूट्यूब वगैरह पे दूंगा कि खामी कहाँ से है पता नहीं। केवल कस्टमर पैसा लगाता जाए और काम उसका कुछ भी ना हो, ये अजीब सी बात है। धन्यवाद।